सभी दोस्तों का वेलकम करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज है दशहरा, तो सभी दोस्तों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज हम बात करेंगे ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में, जैसे हम अपने टेरेस गार्डन पे जब कभी फ्लावरिंग प्लांट लगाते हैं तो उनमें फ्लावरिंग एक टाइम बाद रुक जाती है, और अगर फ्रूटिंग प्लांट लगे तो उसके लिए वो फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा है। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं वही फर्टिलाइज़र यूज करता हूँ अपने प्लांटों के लिए। तो दोस्तों आप भी ये फर्टिलाइज़र यूज करें और अपने गार्डन को फूलों से महकाएं। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं वो फर्टिलाइज़र कैसे तैयार होगा। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए। तो दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और दोस्तों जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हमारे जो वीडियो अपलोड करने का टाइम है वो चेंज हो गया, हम हर संडे के 7 बजे शाम को आपको एक वीडियो मिल जाया करेगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखिए। तो दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, ये कुछ सामान आपको लाना होगा मार्केट से, तो मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके ये सामान कहाँ से मिलेगा। तो दोस्तों इसमें वीडियो में मैं इसका रिजल्ट भी दिखाऊँगा, तो वीडियो पूरी लास्ट तक देखें। तो दोस्तों ये देखिए, ये है मस्टर्ड केक। तो ये सरसों की खली होती है, ये आपको जहाँ पे सरसों का तेल निकाला जाता है तो वहाँ पे ये आपको मिल जाएगी, 30 रुपये किलो के हिसाब से आपको मिल जाएगी। 10-20 रुपये रेट ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप ये ले आइए, ये आपको मिल जाएगी। और ये देखिए, ये है नीम खली। तो जो नीम की निवोरी होती है उसमें से जब तेल निकाल लिया जाता है तो ये कुछ बचता है, तो ये आप ला सकते हैं। तो ये 1 kg का पैकेट है, ये मैं लेकर आया हूँ 40 रुपये का, तो आप इसे ला सकते हैं। और ये देखिए, ये है बर्मी कंपोस्ट। दोस्तों ये केचुआ खाद है, बहुत ज़बरदस्त खाद होती है, तो आप जब भी अपने गार्डन में यूज करें तो केचुए खाद की यूज करें। दोस्तों जल्दी मैं इस पर एक और वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। और ये देखिए दोस्तों, ये है बाल्टी, इसमें पानी भरा हुआ है। तो ये बाल्टी नहीं, ये डब्बा ही है, इसमें 5 kg का ये है और उसमें मैंने पानी भर रखा। तो पहले हम इसमें ये 150 ग्राम हमको खली डालनी है 5 लीटर के डब्बे में। तो ये देखिए मैं बारी बारी इसमें खली डाल दे रहा हूँ, तो आपको भी ऐसे ही यूज करना है इसको। तो ये देखिए ऐसे डाल देना है इसमें, और उसके बाद देखिए ये हमने डाल दिया है। दोस्तों ये हो गया। और ये देखिए, ये जो नीम खली है तो इसको हम पैकेट काट के और इसमें निकालते हैं, ये आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये हमारे रूट में जो भी फंगस इन्फेक्शन होता है या कोई कीड़े ऐसे होते हैं जो हमारी प्लांट की जड़ों को डैमेज करते हैं, ये उनको मार देती है। तो आप ये गार्डन में ज़रूर रखिए, अगर आपने अपने टेरेस गार्डन लगा रखा तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कई बार हमको पता नहीं चलता हमारा प्लांट सूख जाता है, तो वो जड़ों से होता है, तो आप ये ज़रूर अपने प्लांट में यूज करें। तो ये हमने डाल दिया, ये हमारे प्लांट को नाइट्रोजन भी देती है, तो इसे हम साइड करते हैं। और ये है बर्मी कंपोस्ट। दोस्तों बर्मी कंपोस्ट की पहचान आपको बता देते हैं, जब भी आप बर्मी कंपोस्ट मार्केट से ले रहे हैं तो उसे चेक कर लीजिए। बर्मी कंपोस्ट दानेदार होती है, जैसा हम चाय पत्ती को, दोस्तों ये आपको जैसे आप चाय पत्ती गीली कर देते हैं तो दानेदार उसी तरह की आपको ये दिखेगी। तो दोस्तों इसको देखिए हमने डाल दिया, और इसको आपको ऐसी जगह रखना है डार्क सनलाइट इस पर ना पड़े। तो दोस्तों इसका रिजल्ट भी हम आपको दिखा देते हैं कि इसका रिजल्ट आपको अपने प्लांटों में क्या देखने को मिलेगा जब आप हर 15 दिन पर डालेंगे। तो चलते हैं आपको रिजल्ट इसका दिखाते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, काफ़ी अच्छे से इस पर फ्लावरिंग हो रही है हमारे प्लांट पे, जो कि फ्लावरिंग इसकी रुक गई थी। हमने इसको डाला तो प्लांट में डालने के बाद कम से कम महीना भर आपको वेट करना होगा, तभी आपको रिजल्ट इस पर दिखेगा। तो ऑर्गेनिक है, थोड़ा स्लो काम करेगा, पर यह है कि आपके प्लांट में एक बार आप रूटीन बना के इसको डालते रहेंगे हर 15 दिन पे, तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखेगा। दोस्तों सर्दियां जब आ जाएंगी तो आप इसको हफ्ते में भी ट्राई कर सकते हैं, जितने आपने सर्दियों वाले प्लांट लगा रखे हैं तो उन पे आप हफ्ते में इसको दें। जितने आपने सर्दियों के प्लांट लगा रखे हैं, अगर आपके इनडोर भी प्लांट लगे तो उसमें भी आप ये दे सकते हैं महीने में एक बार इनडोर प्लांट पर। और अगर आपने आउटडोर प्लांट लगा रखे हैं, फ्रूटिंग प्लांट लगा रखे हैं, तो उन पे 15 दिन में दें, और सर्दियों में हफ्ते में आप दे सकते हैं। और गर्मियों में आपको ये ख्याल रखना है कि इसको बहुत कम ही प्लांट को देना है, क्योंकि ये बहुत गर्म फर्टिलाइज़र है।
तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। और आप देख सकते हैं मेरे छत पर जो हमारे टेरेस गार्डन पे फ्रूटिंग बहुत अच्छे से हो रही, तो मैं इसे हर हफ्ते यूज करता हूँ अपने फ्रूटिंग वाले प्लांट पे। दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और जल्दी हम नर्सरी पे जाएंगे और आपके लिए कुछ प्रोडक्ट की वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों हमने पिछली वीडियो बनाई थी जो कि आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी नर्सरी की, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको समय समय पे नर्सरी पे आने वाले प्लांटों की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी गार्डनिंग को इन्जॉय करते रहिए।